कुछ दिन पहले पंजाब कांग्रेस ने एक विधायक को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसके घर की छत पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा था। दरअसल ये विधायक कोई और नहीं बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ हैं। दरअसल संदीप जाखड़ के निष्कासन को लेकर जब सियासत शुरू हुई तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का बयान भी सामने आया। उन्होंने हरियाणा बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्रोई का किस्सा सुनाकर संदीप जाखड़ को सीख लेने की हिदायत तक दी। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के मुखिया राजा वडिंग कुलदीप बिश्रोई का किस्सा सुनाकर संदीप जाखड़ को विधायकी से इस्तीफा देने के लिए उकसाते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुलदीप बिश्रोई कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो विधायकी भी छोड़ दी थी। इसके बाद उनके बेटे भव्य बिश्रोई ने चुनाव लड़ा और विधायक बने। वडिंग ने विधायक संदीप जाखड़ को चुनौती देते हुए कहा कि अब हौर से आप भी ऐसा ही करके दिखाओ। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्रोई 4 अगस्त 2022 को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उस समय उपचुनाव से पहले भी वडिंग ने विधायक संदीप जाखड़ को कुलदीप बिश्रोई का उदाहरण दिया था। कहा था कि कुलदीप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, अगर तुम्हारे अंदर भी हिम्मत है तो दोबारा चुनाव लड़कर दिखाओ, भजन लाल के बेटे की तरह हिम्मत दिखाओ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ पहली बार कांग्रेस की जीत टिकट पर विधायक बने। उनके घर पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा था। दरअसल पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते उन्हें निष्कासित कर दिया गया। अब राजा वडिंग उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं ताकि उन्हें अपना जनाधार पता चल सके।